19 साल की जारा रदरफोर्ड अकेले विमान उड़ाकर दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। वो छोटे से माइक्रोलाइट विमान में ऐसा करने वाली सबसे कम उम्र की इंसान भी हैं। सफर पूरा करने के बाद जब वो बेल्जियम में उतरी तो उनका शानदार स्वागत हुआ। वापस लौटकर बहुत खुशी हो रही है। बहुत ही जबरदस्त यात्रा थी, 5 महीने लंबी, और ये आखिरी फ्लाइट तो काफी मुश्किल थी। रदरफोर्ड ने अपने इस सफर में 5 महाद्वीपों की उड़ान भरी। ये यात्रा 52,000 किलोमीटर की थी। उन्होंने स्पॉन्सरशिप से धन जुटाया और वो लोगों की मेहमान बनती थी, उनके घर रुकती थी। उन्होंने अपनी यात्रा के उतार चढ़ाव लोगों के साथ ऑनलाइन साझा किए। मेरा रूस का वीजा अभी अभी खत्म हुआ है तो मैं वहाँ नहीं जा सकती हूँ, ये निराशाजनक है। उत्तर कोरिया उस तरफ है, मैं और नजदीक नहीं जा सकती क्योंकि उन्हें आसपास उड़ते हुए छोटे विमान पसंद नहीं है। उनकी ये यात्रा उससे लंबी रही जितना उन्होंने सोचा था। इस दौरान मौसम भी बाधा बना। जमीन पर लौटकर बहुत खुशी हो रही है। शुरू में अच्छा था लेकिन फिर बादल नीचे की तरफ आने लगते थे। एक जगह तो मैं समंदर से केवल 600 मीटर ऊपर थी, जो काफी डरावना था। रिकॉर्ड तोड़ने के अलावा जारा का एक बड़ा मिशन भी है। वो और लड़कियों को एविएशन, साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित करना चाहती हैं। जब मैं बड़ी हो रही थी तो मुझे ज्यादा महिला पायलट नहीं दिखती थी। अब मुझे कुछ लड़कियों और महिलाओं से संदेश मिले हैं कि उन्होंने विमान उड़ाना शुरू कर दिया है क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसा करते देखा है। हाँ, लगता तो है।